नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम है वसीम अकरम। आज हम लोग मौजूद हैं गोला गोकर्णनाथ के अलाहाबाद बैंक में। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। लोग एक दूसरे से सटे हुए लगे खड़े हैं। कुछ ने मास्क पहना हुआ है, कुछ ने मास्क नहीं पहना हुआ है। जबकि WHO के अनुसार भी हमें अगर कोरोना से जीतना है तो सबसे पहले हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसलिए हमारी सरकार भी लगातार लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप एक दूसरे से दूरी बना के रखें। अगर एक दूसरे के पास खड़े हैं तो मिनिमम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन लोगों की इस भीड़ इस बात को मान नहीं रही है, जबकि लगातार पूरे भारत में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। अब पैसे निकालने आए बैंक में। जी 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 जी। तो इतनी बीमारी चल रही है कोरोना नाम की, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आप पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके आसपास के खड़े लोग नहीं करेंगे तो अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो आप उससे बच नहीं सकते हैं सर। बिल्कुल देखिए साहब, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। देखिए साहब, ऐसा है, हमारी हर एक की कोशिश है, मेरी भी कोशिश है, मैं भी वायरल इन्फेक्शन लेना नहीं चाहता। बिल्कुल है, हर आदमी कोशिश करता है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं लेना चाहता है। और मैं क्यों, मैं खड़ा हूँ अपने तरीके से। और ठीक, अब तो लोग जो है डिस्टेंस भी देने लगे। कैमरा को देख के देख सकते हैं आप कि लोगों ने 1 मीटर की दूरी बना ली है। लेकिन अगर ये दूरी हम पहले से बना के रखें तो ना तो हमारी पुलिस को इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा और आप लोग भी संक्रमित से बच सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लेडीज लाइन में लगी हैं और एक दूसरे से सट के लगे हैं। आइए उन लोगों से बात करते हैं। आप लोग इतना भीड़ में एक दूसरे से सट के क्यों खड़े हैं? पीछे वाले चाहते नहीं है कि हम लोग दूरी बना के खड़े हों। जी, जब पीछे वाले चाहेंगे तभी आगे वाले। क्या लोगों को इस बार की जानकारी नहीं है कि कोरोना वायरस चल रहा है? अरे जानकारी तो है, पर लोग चाहते नहीं है। हमको जानकारी है, वो भूल के बैठते हैं। पीछे वाले आपको मतलब अपने काम से मतलब है, बस सोशल डिस्टेंसिंग कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता, कोई पालन ही नहीं कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो आप लोग जैसे अभी ये है, आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप जागरूक हैं, आपको पता है कि इससे किसी को संक्रमण हो सकता है, सही है। तो आप यहाँ पे खड़े, ये आपका फर्ज बनता है ना कि आप इन लोगों को नहीं। थोड़ा स्पेस बना सर, के रखते हैं। सर, कितनी बार का स्पेस मान ही नहीं रहा, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आप सुन रहे हैं कि जनता खुद नहीं इन चीजों से बचना चाह रही है, वो खुद हमारी सरकार और हमारा प्रशासनिक स्टाफ भी इस बात को बनाए रखना चाहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। पर जब तक जनता खुद नहीं सतर्क होगी तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं लोग एक दूसरे से सटके लगे हुए हैं, जबकि हमारी पुलिस भी बार बार लोगों से यही कहती है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, लेकिन कोई भी आदमी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। और अब हम लोग आ चुके हैं गोला गोकर्णनाथ की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में। आप देख सकते हैं यहाँ भी किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटके खड़े हुए हैं, कुछ ने मास्क पहना हुआ है, कुछ ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। आइए इनमें इन लोगों से बात करते हैं। आप पैसे निकालने आए हैं? कितने रुपए निकालने आए? 2000। आपका सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हुई हैं कि आप आधार कार्ड के माध्यम से जनसेवा केंद्र से पैसा निकाल सकते हैं, तो भी आप भीड़ में लाइन में लग के निकाल रहे हैं पैसा? जानकारी नहीं है आपको इस बारे में? नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे लोग किस प्रकार से एक दूसरे से सटे हुए हैं। कैमरा को देखते हुए लोगों ने कुछ हद तक सोशल डिस्टेंसिंग की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लोग बिल्कुल एक दूसरे नजदीक खड़े हैं। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी भारत के पूरी दुनिया पे है, तो लोग इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारी सरकार है सर, कह रही है कि आप खुद देख रहे हैं, इसलिए हम दूर खड़े हैं। तो मतलब आप दूर भी खड़े हैं, लेकिन अगर आप इस भीड़ में हैं तो अगर उसमें कोई संक्रमित होगा तो आप बच नहीं सकते। तो ये हमारा आपका भी तो फर्ज बनता है कि हम लोगों से अपील करें कि वो थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहे। जी सर, लेकिन देख रहे हैं अभी तो हम आए हैं, देख रहे हैं सब भीड़ पर, लेकिन पहले तो नंबर लगा। आपका क्या मानना है कि जो हमारी भारतीय सरकार है कोरोना के मामले में वो किस प्रकार से लड़ रही है? अगर आपको 10 में से उनको नंबर देने हो तो आप भारतीय सरकार को कितने नंबर देंगे?
इसमें से तो कुछ नहीं दे पाएंगे आप, मतलब 10 में से कुछ कुछ नंबर नहीं देंगे यहाँ, 100% नहीं दे पाएंगे क्योंकि इतना भीड़ लगी। अगर आपको 10 नंबर में से उनको 1, 2, 3 से लेके 10 तक नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे? क्या बताएं, हम नहीं कुछ कह सकते। देखिए सर, यहाँ पे एक नंबर भी नहीं देना चाहते हैं सरकार को।